अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस करते हैं, कन्वर्ट प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। एक्सरसाइज 10.3 का थ्योरी है। पहले ये फार्मूले लर्न करो, फिर इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, ये प्रोडक्ट है और ये हम सम या डिफरेंस में चेंज करेंगे। तो टू साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर आप ये फार्मूले ओपन करें और इसको एडिशन करें तो ये साइड देता है लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन क्वेश्चन के लिए ये याद करना है कि टू साइन अल्फा कॉस बीटा अगर क्वेश्चन में है और आपसे पूछ रहा है कि इसको सम या डिफरेंस में चेंज कर दो, तो यहां पर अगर अल्फा की जगह पर 30 है, बीटा की जगह पर 60 है, तो राइट साइड में अल्फा की जगह पर 30 और बीटा की जगह पर 60 लिखो। टू फार्मूले नंबर टू है, टू कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह टू कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करें तो यहां से माइनस खत्म होता है और यहां पर ये माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस होता है। लेकिन इसके बाद हम प्लस वाला टर्म पहले लिखते हैं और माइनस वाला हम बाद में लिखते हैं। इसी तरह कन्वर्ट सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अगर आपके साथ क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये इसमें चेंज कर दो, प्रोडक्ट नहीं ये सम है और ये डिफरेंस है, डिफरेंस या सम प्रोडक्ट में चेंज कर दो, तो इसके लिए फार्मूले ये है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। पहले हम एडिशन करते हैं ए और बी का और बाद में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसी तरह अगर माइनस है तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। अगर कॉस है और दोनों कॉस है और दरमियान में प्लस है तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। अगर माइनस है तो माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई। इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फार्मूले याद करना है। अगर फार्मूले याद है आपको तो फिर क्वेश्चन इजी है। एक्सरसाइज 10.3 में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसको प्रूव कर दो। इसमें पहला पार्ट है cos 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इक्वल अंडर रूट 3। लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड लाना है तो आप इस पर फॉर्मूले अप्लाई करो। दोनों में कॉस है और प्लस है, यहां पर भी कॉस है यहां पर भी, और दरमियान में प्लस है, तो ये सम है, हम इसको प्रोडक्ट में चेंज करना चाहते हैं। तो इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में माइनस है तो इस पर हम फॉर्मूले नंबर टू अप्लाई करेंगे। कॉस ए प्लस कॉस बी, तो हम लिखेंगे टू कॉस ए प्लस बी, यानी हम 75 के साथ 15 को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, और कॉस 75 से हम 15 को माइनस करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। इसी तरह हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन ए माइनस साइन बी, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। तो हम लिखते हैं टू कॉस 75 प्लस 15 डिग्री बाई टू इंटू साइन 75 माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई टू। ये टू इसके साथ कैंसिल करो, 75 प्लस 15 90 बाई टू कॉस 45 डिग्री, 75 माइनस 15 60, 60 बाई टू 30 कॉस 30 डिग्री, 75 प्लस 15 90 बाई टू कॉस 45 डिग्री, 75 माइनस 15 60 बाई टू 30 साइन 30 डिग्री। अब ये दोनों सेम है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कॉस 30 साइन 60, कॉस 30 और साइन 30 का वैल्यूज निकल,
तो ये याद रखो कि साइन 30 और कास 60 का एक वैल्यू है 1/2, कास 30 और साइन 60 का एक वैल्यू है √3/2। तो √3/2 आप इसको कैलकुलेटर पर भी कर सकते, साइन 30 1/2, ये 2 2 के साथ कैंसिल करो और ये राइट साइड हासिल होगी। इस क्वेश्चन के लिए कास 30 का वैल्यू है √3/2, ये आप टेबल से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह साइन 30 इक्वल है 1/2, तो ये याद रखो, आप इस कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको प्रूव करो। साइन अल्फा प्लस साइन नाइन अल्फा डिवाइड कॉस नाइन अल्फा इक्वल टेंजेंट 5 अल्फा। आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव कर दो राइट हैंड साइड, तो आप इस पर फार्मूले अप्लाई करो, साइन अल्फा प्लस साइन नाइन अल्फा, ये फर्स्ट नंबर फार्मूला, और डिनोमिनेटर में थर्ड नंबर फार्मूला अप्लाई करो। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा प्लस 9 अल्फा डिवाइड बाई 2, यहां पर 1 है, इनटू कॉस अल्फा माइनस 9 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह कॉस अल्फा प्लस कॉस 9 अल्फा इक्वल है 2 कॉस अल्फा प्लस 9 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस 9 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, इसके साथ कैंसिल करो। साइन 1 अल्फा प्लस 9 अल्फा 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये हमें 5 अल्फा देता है, और ये दोनों बिल्कुल सेम है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह 1 अल्फा प्लस 9 अल्फा 10 अल्फा बाई 2 कॉस 5 अल्फा, और साइन 5 अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा, ये टेंजेंट 5 अल्फा के बराबर है, तो ये राइट हैंड साइड। अगर आपको फार्मूले याद है ये फार्मूले, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इजी है। एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 5 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड लाना है, तो हम लेफ्ट साइड लेते हैं, यहां पर 2 मौजूद नहीं है, तो हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते और 2 डिवाइड करते। ये हम क्यों करते हैं, हमारे पास फार्मूला है 2 cos α cos β, ये बराबर है cos α + β + cos α - β, यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 नहीं है इसलिए हम 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये दोबारा कैंसिल होता है, वापस ये हासिल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये 1/2 दोबारा लिखो, और यहां से यहां तक 2 cos 20 डिग्री का 40 डिग्री, इस पर फार्मूला अप्लाई करो, 2 cos, यहां पर दोनों cos है तो इसलिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 cos α cos β इक्वल cos α + β + cos α - β। तो हम लिखते हैं 2, ये बराबर है cos α + β, यानी इस अल्फा की जगह पर 20 डिग्री है, इस बीटा की जगह पर 40 डिग्री है, तो इसकी जगह पर हम 20 और बीटा की जगह पर हम 40 लिखते हैं, अल्फा की जगह पर 20 और बीटा की जगह पर 40 डिग्री। कॉस 60 आपको पता है 1/2 के बराबर है, इसको याद रखो, ठीक है, कॉस 60 डिग्री 1/2 के बराबर, और कॉस 80 ये दोबारा लिखो। अब इन दोनों की एडिशन से 60 आंसर होता है, और 20 - 40 - 20 1/2 cos 80 डिग्री, cos 60 1/2 के बराबर है, ये लिखो, ये 1/2
एस टू के साथ, यानी टू एस टू के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1/4 हासिल हो गया, cos 61/2, cos -20 डिग्री। ये cos इवन फंक्शन है, माइनस को खत्म करता है। इवन फंक्शन क्या है? चैप्टर 8 में हमने डिस्कस किया था, इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन जब हम इसमें माइनस डाल दे और वो प्लस देता है -x2। एक ऐसा फंक्शन जब हम इसमें माइनस डाल दे और वो दोबारा प्लस होता है तो इस फंक्शन को इवन कहते हैं। एक्स पर स्क्वेयर है तो ये पॉजिटिव बनता है, एफ ऑफ -x इक्वल एफ ऑफ एक्स। ऐसा कंडीशन जब एक फंक्शन, ये कंडीशन अगर एक फंक्शन सेटिस्फाइड करता है तो इसको इवन कहते हैं। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिर्फ cos और इसका रेसिप्रोकल secant इवन है और बाकी ऑड है। तो ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1/4 cos 61/2, और ये इवन फंक्शन है इसलिए ये पॉजिटिव बन गया cos 80 डिग्री। अब 1/2 cos 80 इसके साथ मल्टीप्लाई करो और cos 20 के साथ भी cos 80, यानी cos 80 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। 1/4 1/2 cos 80 डिग्री। अब यहां पर भी दो cos है तो इस पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर दिए, इसलिए हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड भी लिखते। अब ये 1/2 दोबारा लिखो, ये भी दोबारा लिखो और इस पर फार्मूला अप्लाई करो, 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री। तो अल्फा की जगह पर 20 डिग्री है और बीटा की जगह पर 80 डिग्री, तो राइट साइड में अल्फा की जगह पर 20 डिग्री, बीटा की जगह पर 80 डिग्री। अल्फा की जगह पर 20 डिग्री और बीटा की जगह पर 80 डिग्री लिखो, ये लिखो 1/2 लिखो, इसको प्लस कर दो cos 100 डिग्री और 20 माइनस 80 cos 60 डिग्री। ये cos -60 डिग्री आता है लेकिन ये cos इवन फंक्शन है तो माइनस को खत्म करता है। आप इसको इसी तरह भी चेक कर सकते हैं कि cos किस तरह इवन फंक्शन है, cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आप अल्फा की जगह पर 0 लिख दे, इस अल्फा की जगह पर आप 0 लिख दे, इस अल्फा की जगह पर आप 0 लिख दे, तो ये cos माइनस बीटा इक्वल cos 0 1 के बराबर, cos बीटा और साइन 0 के बराबर, तो ये सारा 0 हो गया इक्वल cos बीटा। अब यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस बन गया, तो इसका मतलब ये है कि cos एक इवन फंक्शन थे, माइनस को प्लस करता है। इसके बाद ये दोबारा लिखो, 1/4 1/2 cos 80 प्लस 1/2 cos 100 डिग्री, और cos 60 डिग्री की जगह पर आप 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका भी लिखो। ये 1/2 इसमें भी है और इसमें भी है, एक टर्म ये है और एक टर्म इसको कंसिडर करो, ये सारा एक टर्म है। तो ये 1/2 इससे कॉमन करो, बाहर निकालो, cos 80 डिग्री cos 100 डिग्री प्लस 1/2। ये 1/2 cos 100 के साथ ब्रैकेट में है तो ये एक टर्म कंसिडर होता है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो हम बाहर निकालते हैं, कॉमन करते हैं। cos 100 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रेटर है इसलिए हम पहले लिखते हैं और ये cos 80 डिग्री बाद में लिखते हैं, प्लस 1/2। अब इस पर फार्मूला अप्लाई करो, ये सम में है तो इसको प्रोडक्ट में चेंज करो, आपके साथ फार्मूला है cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 into cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अल्फा की जगह पर 100 डिग्री है और बीटा की जगह पर 80 डिग्री है, तो इसमें अल्फा की जगह पर 100 और बीटा की जगह पर 80 डिग्री लिखो, अल्फा की जगह पर 100 बीटा की जगह पर 80 डिग्री लिखो, प्लस 1/2। ये ऐड देता है, इसको दोबारा लिखो 2 cos 80 प्लस 100 180 डिवाइडेड बाय 2 cos 100 माइनस 80 20/2 प्लस 1/2। cos 80/2 180 अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो ये 90 देता है और cos 90 इक्वल टू 0, तो इसलिए हम 180 डिवाइड बाय 2 90 और cos 90 0 के बराबर है। ये दोबारा लिखो, ये भी दोबारा लिखो, cos 20/2 10 डिग्री प्लस 1/2। 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई cos 10 डिग्री, तो ये सारा टर्म 0 होता है, 1/2 रहता है, 2 8 जा 60, तो ये आपका राइट हैंड साइड है।
इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व हो गया, अब इस पर प्रैक्टिस करना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।